तो दोस्तों, अगर आप भी मेशो से ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेशो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए डाउनलोड करते हैं मेशो का एप्लीकेशन। जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है मीशो, ये पहला वाला ऐप मीशो ऐप, ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इंस्टॉल। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। चलिए ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, यहाँ पे ओपन का बटन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं बकायदा बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन भी आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कहा गया है, तो आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, अपना रीजनल लैंग्वेज। फिलहाल मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना है, तो आप अलाउ पे प्रेस कीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आपको मेशो का, तो आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसा पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये वाला अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे साइन अप का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे साइन अप पे। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाने के लिए फोन नंबर मैंने ये वाला एंटर कर दिया है, और इसके ऊपर हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे ओटीपी पूछा जाएगा, और ओटीपी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, अब आपका बेसिक अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कैटेगरीज में आना है। आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है वो आप प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। या तो आप होम में जाके यहाँ पे जो भी परचेस करना है आपको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अब कोई सा एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला टी शर्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला टी शर्ट पे गए, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वाला मुझे परचेस करना है टी शर्ट, ठीक है। तो परचेस करने के लिए आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। कोई इसमें ऑफर चल रहा है तो ऑफर भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करना है टी शर्ट का, आपका कौन सा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मीडियम सिलेक्ट करता हूँ। मीडियम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो वापस क्लिक करेंगे बाय नाउ। तो दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे एड्रेस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा एक एड्रेस दिया हुआ है, मैं नया एड्रेस यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मेरे लोकेशन का एक्सेस पूछ रही है, तो मैं अलाउ करूँगा वाइल यूजिंग द ऐप, पहला वाला कर दिया। करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरा एड्रेस यहाँ पे ले रहा है जो करेक्ट है, तो इसके ऊपर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपका ये ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है, तो आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए करते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे हाउस नंबर अगर आपका कुछ है, या तो बिल्डिंग नंबर है, तो वो आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी फिलहाल दे रहा हूँ डेमो, ठीक है। इसको सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है,
हो गया इतना, अब सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू करने के बाद आपका एड्रेस यहाँ पे अब ऐड हो चुका है, ठीक है। और आपका टी शर्ट का जो साइज़ था वो भी आपने चूज़ कर लिया है, टी शर्ट कौन सा लेना है वो भी आपने चूज़ कर लिया है। अब करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो दोस्तों अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां आप फोन पे से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और नीचे आपको यहां पे कैश ऑन डिलीवरी दिखा रहा है। तो फिलहाल मुझे कैश ऑन डिलीवरी ही चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ऐसे, कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। प्राइस डिटेल एक बार चेक कर लेंगे, 299 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे, यहाँ पे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप आसानी से आप मेशो से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।